हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ओल्ड शर्ट से एक बहुत ही सुंदर बैग बनाना। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये शर्ट है जो कि अब यूज़ में नहीं आती, क्योंकि इस पे देखिए होली में रंग लग गया था एक तरफ, तो इसका अब यूज़ नहीं किया जाता है। तो 14 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे, इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। और 34 इंच हमें इस पीस को काट लेना है लेंथ वाइज। तो देखिए, 34x14 इंच का जो हमने फैब्रिक कटिंग किया था, उसको हमने बीच में फॉर्म और नीचे लाइनिंग का कपड़ा रखकर क्विल्टिंग कर लिया है। क्विल्टिंग करने के बाद देखिए, एक सिरे से मैंने ये 3.5 इंच पर मार्क लगा लिया है। एक सीधी लाइन हमें लगा लेनी है ऐसे, और इसके बाद ये वाला जो पीस है वो इस लाइन के साथ हम रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये आप ध्यान रखना कि हमें यहाँ पर जो हमने लाइन लगाई है उसके बाद दूसरा पीस रखना है, और जो तीसरा ये जो फोल्ड साइड है वो इस तरीके से आएगी। तो पहले मैं एक तरफ का आपको मार्क लगा के दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ से हम गहराई लेंगे 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पर ही हमारे जो है आगे की लाइन चलती जाएगी। यहाँ से मैं ले रही हूँ 3 इंच, और इसको हम इस तरीके से गोल मिला देंगे। ये जो आगे हमारी क्विल्टिंग पट्टी है उसे भी आगे हम पूरा मार्क लगा देंगे। अब ये जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया था, इसको हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे 2 इंच, ठीक है। यहाँ से हम ले लेंगे 7 इंच, तो जो फ्रंट का हिस्सा है वो 7 इंच का है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से जितना कि हमने यहाँ पर लिया था उतना ही गहरा हमें साइड का और बैक पार्ट भी लेना है, तो 3.5 इंच हमने यहाँ पर गहराई ली है, और इसको हमें यूं मिला देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये यूं घूमते हुए आएगा आगे, तो हम आसानी के लिए जो ये बैक पार्ट है सेम इसको यूं रख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम आसानी के लिए एक हिस्से को कटिंग कर लेते हैं, और ये हिस्सा भी हम काट लेते हैं, तो इसमें कोई साइड सीम नहीं आएगी। देखिए, हमने ये बराबर रखा जो हमने लाइन लगाई थी वहीं पर, और इसको हमें ऐसे काट लेना है। आप ये ध्यान रखिएगा कि हमने ऊपर से जो नीचे की तरफ लिया है वो 3.5 इंच लिया है, तो ये देखिए ऐसे आएगा ये बनने के बाद। तो इसका बैक पार्ट भी हम यूँ एकदम बराबर करके मार्क लगा लेंगे, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने 2.5 इंच चौड़ी बाय स्ट्रिप ले ली है, तो इसे हमें यहाँ पर इस हिस्से पर सिर्फ ये जो किनारे वाली गोलाई है यहाँ पर स्टिच करना है, और ये भी देखिए किनारे वाली जो गोलाई है यहाँ पर हम स्टिच करते हुए इस कॉर्नर तक लाएंगे और नीचे लाइन तक ले जाएंगे। ये जो बड़ा हुआ हिस्सा है 3.5 इंच वाला वो है ये। तो ये देखिए, मैंने इस रेड स्ट्रिप को बाय स्ट्रिप थी है, तो इसे मैंने गोलाई में स्टिच कर लिया। थोड़ा सा यहाँ पे दपोटा आया है क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है 2.5 इंच है, 2.5 इंच है। अब हम ये वाइट कलर की स्ट्रिप लेंगे, ये भी बाय स्ट्रिप ही है और इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। इसे हम इस तरीके से रॉन्ग साइड पर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे एंड तक, यहाँ पर भी और इस वाले गोलाई वाले हिस्से में भी, यहाँ रॉन्ग साइड पर रख के हमें इसे
स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, अब हम इस वाइट कलर की बाय स्ट्रिप को टर्न करके सीधी ओर यानी कि राइट साइड की तरफ लेकर आएंगे और इसके किनारे अंदर की तरफ मोड़कर इसको ऊपर से स्टिच लगा देंगे। ये ध्यान रखना है कि जो इसकी चौड़ाई है वो सब जगह से एक बराबर हो। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है, इस वाइट स्ट्रिप को टर्न करके सीधी साइड लाना है और इसके किनारों की फिनिशिंग कर लेनी है स्टिच करके। तो ये देखिए, अब हम इस रेड स्ट्रिप को इस तरीके से पिन लगा लेंगे और इसका जो कॉर्नर है इस तरीके से हमें बनाना है। अगर कहीं से चौड़ाई जो है इस रेड बाय स्ट्रिप की कम या ज़्यादा हो रही है तो एकदम बराबर कर लीजिए। अब हमने 1.5 इंच की ही वाइट कलर की बाय स्ट्रिप ले ली है और उसको यहाँ पर इस रेड स्ट्रिप के ऊपर रखकर इस तरीके से स्टिच कर लेना है एंड तक। ठीक इसी तरीके से इस वाले हिस्से पर भी हमें, देखिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों तरफ की जो रेड बाय स्ट्रिप है उसकी चौड़ाई एकदम बराबर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो अगर कहीं से छोटी बड़ी है तो उसको बराबर कर लेंगे और उसके बाद इस वाइट स्ट्रिप को यहाँ पर रखेंगे इसके कॉर्नर पे और स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इस वाइट कलर की बाय स्ट्रिप के किनारों को भी हम अंदर की तरफ टर्न करके इसकी चौड़ाई जो है हमें जितनी हमने पहले वाली वाइट स्ट्रिप की रखी है ठीक उतनी ही रखनी है और इसके किनारों को अंदर की तरफ टर्न करके ऊपर से स्टिच लगा लेनी है। तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ आगे। देखिए, बैक के बाकी की जो गोलाइयाँ हैं वहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी बाय स्ट्रिप रखकर पहले रॉन्ग साइड पे स्टिच किया और टर्न करके उसे सीधी साइड पे लाकर उसके किनारों की फिनिशिंग कर ली है। जैसे कि मैंने वाइट स्ट्रिप की थी वैसे ही सेम। अब देखिए, ऊपरी हिस्से को हमें बिल्कुल बराबर रखना है ऐसे, दोनों स्ट्रिप जो है आगे पीछे की बराबर हो जानी चाहिए। अब हमें यहाँ पर सिर्फ फ्रंट वाले हिस्से पे पिन लगानी है। और यहां से इस वाइट कपड़े के किनारे पर एकदम किनारे पर हमें यहां तक स्टिच कर लेनी है। तो ये देखिए, मैंने 13 इंच लेंथ का और 3.5 इंच विड्थ का ये क्विल्टिंग पीस बॉटम के लिए तैयार कर लिया है। इसके सेंटर पर हम नोचेस लगा लेंगे। 13 इंच इसकी लेंथ है और 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है। सेंटर पे नोचेस लगा लेना है। इसी तरीके से बैग के ऊपरी हिस्से को देखिए, यहाँ पर हमें बिल्कुल बराबर कर लेना है और इस पर भी हमें नोचेस लगा लेना है साइड वाली तरफ, दोनों तरफ। अब हम इस जो बॉटम हमने बनाई है बैक की उसको और बैक को स्टिच करेंगे। तो जब हम स्टिच स्टार्ट करेंगे तो देखिए, ये जो हमने नोचिस लगाया है बैक के साइड पे और जो हमने बॉटम पे नोचिस लगाया है वो एकदम हमें बराबर रखना है। यहीं से हम स्टिच करनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और दूसरे नोचिस तक लेकर आएंगे यानी दूसरी साइड तक बैक की, वहाँ पर भी हमारा नोचिस एकदम बराबर होना चाहिए। तो जहाँ से हमने स्टिच स्टार्ट की वहीं पर एंड कर देंगे। तो देखिए, हमारा बैग यहाँ तक बनके तैयार हो गया है। अब हम ये 17 इंच लेंथ की और 4 इंच विड्थ यानी 17x4 इंच का हमने ये दो स्ट्रिप के लिए कपड़ा ले लिया है। तो इसका हमें यूं सेंटर कर लेना है और जो स्ट्रिप है उसका भी हम सेंटर कर लेंगे
और यूँ रखेंगे और इस तरीके से पहले हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। फॉर्म की जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच ली है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें स्ट्रिप का सेंटर कर लेना है और फॉर्म को और स्ट्रिप को यहाँ पे स्टिच कर लेना है। स्टिच करते समय ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिप है वो पलटनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो घूम जाएगी। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से इस स्ट्रिप को रखेंगे और फॉर्म को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल सेंटर पे हमें रखना है और स्टिच करना है यहाँ पे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ऐसे अब इसको मोड़ लेना है और ये किनारा यूँ मोड़ना है इस तरीके से। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अच्छे से स्टिच लगा लेनी है और उसके बाद ये जो सेंटर है यहाँ पर भी हमें स्टिच करनी है। एक किनारा अंदर रखेंगे और जो ऊपर वाला किनारा है उसको थोड़ा सा टर्न करके सेंटर में हम स्टिच लगा के इस स्ट्रिप की फिनिशिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए ये एक किनारा ऐसे मोड़ना है, ये इधर। और तो देखिए बैक के स्ट्रिप तो हमने स्टिच कर लिए हैं। अब हम ये देखिए हमने फिनिशिंग कर ली है, कहीं से भी कपड़ा बाहर को नज़र नहीं आ रहा है। अब हमने ये 10.5 इंच लेंथ की जिप ली है, इसको हम देखिए सबसे पहले हमें बैक को अच्छी तरह से रख लेना है। यहाँ पर इस जिप को यूँ रखना है। तो यहाँ एक कॉर्नर पे आपको मार्क लगा लीजिए और यहाँ से हमें स्टिच करना स्टार्ट करना है। जो बैक पार्ट है वहाँ पे तो हम स्टिच कर सकते हैं, लेकिन जब हम फ्रंट पार्ट पे जिप को लगाएंगे तो हमें तुरपाई या हेमिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम स्टिच करेंगे तो जो सिलाई है वो सीधी तरफ को दिखाई देगी। तो इस तरीके से हमें जिप को अटैच कर लेना है बैग के साथ। तो देखिए ये बैग बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक बटन लगा दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलिए, और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ये होगा कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।